हेलो गाइस, वेलकम टू माय एजुकेशन फॉर मिशन चैनल। गाइस, आज हम लेकर के पर्यावरण के फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट हैं, बट इस बीच वाले कुछ जल और वायु, बदलती हुई हमारी पृथ्वी, इसके बारे में हम डिस्क्रिप्टिव वर्णन कर चुके हैं। यदि आप मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो पीछे वाली वीडियो को जरूर देखें। और यहाँ पे कुछ किसी कारणवश फर्स्ट और सेकेंड थर्ड पार्ट न अपलोड करके मैं चौथा और पांचवा चैप्टर अपलोड की हूँ, तीसरा भी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम पर्यावरण के बारे में जानते हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना है, परिधन आवरण, परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ, हमारे चारों ओर ढके हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। तो जैसे देखेंगे हम नेक्स्ट पे चलते हैं पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण के घटक, पर्यावरण कौन से पर्यावरण के घटक क्या है, एज आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले देखेंगे पर्यावरण के घटक, और इस घटक में कौन होता है, मानव होता है, मानव सब स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे देखेंगे एक व्यक्ति, दूसरा मानव ही क्या होता है, परिवार मानव से बनता है, मानव ही से कलेक्ट होकर के समुदाय, कई धर्म के लोग एकत्रित होते हैं। और यहाँ पर धर्म जो है, तो यहाँ पर ईसाई है, मुस्लिम, सिख, हिंदू, ईसाई, ETC, ये सारे आएंगे। यहाँ पे देखेंगे मानव से ही यहाँ पर शैक्षिक प्रक्रियाएं, संस्थाएं चलती हैं, मानव ही आर्थिक के लिए भी उनका श्रेय है, उनके खोज के लिए वो बहुत सारे प्रयास करते रहते हैं। नेक्स्ट है मानव ही, मानव के द्वारा जो राजनैतिक स्थिति बनी रहती है, इसमें राजनेता वगैरह तरह तरह के लोग हैं समाज में। नेक्स्ट है देखते हैं इस घटक में क्या आता है। पर्यावरण के दो घटक हैं मेन, प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय, या तो कहेंगे प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं, मानवीय निर्मित वस्तुएं। तो यहाँ पे देखेंगे मानवीय निर्मित में जैसे आ जाएंगे इमारत है, और यहाँ पे पुल है, मानव ने ही निर्मित किया है, स्मारक है, उद्योग है, ETC, ये सारे मानव द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट आ जाएंगे प्राकृतिक क्या है, स्थल, सजीव, वायु, जल के निर्मित कौन है, प्राकृतिक है। तो सजीव से जैव मंडल बना है, और स्थल मंडल जो है स्थल से बना है, वायुमंडल हवाओं से बना है, वायु से बना है, और जल मंडल जो है जल से बना हुआ। एज की आई होप अंडरस्टूड इन दिस डायग्राम। देखते हैं इसलिए प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। देखेंगे जीवी अजीवी क्या है, इसके बारे में पहले अच्छे से जानते हैं। जीवी होता है सभी प्राणियों का संसार, जैसा पादप एवं जंतु। अजीवी का मतलब जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल है। यहाँ पे देखेंगे हमारा पर्यावरण का चैप्टर है, इसका हम पार्ट नंबर 1 लेकर के आए हुए हैं। जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो लोग बेनिफिट उठा सकते हैं, जो लोग मेरे चैनल पे नहीं अभी है तो प्लीज जल्दी से आप अपने फ्रेंड को सब्सक्राइब करिए, बोलिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करने और इसका लाभ वो भी उठा सके। देखेंगे नेक्स्ट इसमें देखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं किसे कहते हैं, कि ऊपर से वार्तालाप हम कर चुके हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं, और यहाँ पे हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं। यहाँ देखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण मानव निर्मित परिघटित घटनाओं का मिश्रण है, और प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती है। एज आई होप की अंडरस्टूड। देखेंगे पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, तो जिसका अर्थ होता है पड़ोस, एनवायरमेंट मतलब पड़ोस होता है। प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में जानते हैं। पर्यावरण दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्रमा, बादल, इसी जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित है उसे प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। उसी से मिलकर के बना है जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, ETC। स्थल से स्थल मंडल, जल से जल मंडल, वायु से वायुमंडल, और जैव से पादक से जो बना है जैव मंडल। देखेंगे जैव मंडल किसे कहते हैं, जो है पृथ्वी की कठोर भूपर्पटीय के कठोर ऊपरी परत को ही जो है स्थल मंडल कहते हैं। ये जो किससे बना हुआ है, चट्टान एवं खनिज से बना हुआ है, और मिट्टी की पतली परत ऊपर ढकी हुई है। अब देखेंगे यहाँ पर की पहाड़ी जो है, पहाड़, मैदान और घाटी ETC से बने हुए हैं, स्थल आकृतियाँ इसकी बनी हुई है। स्थल आकृति विषम द्वार पर होती है, अनेक प्रकार की होती है। स्थल आकृति महाद्वीपों के, इसके अलावा महाद्वीपों द्वारा
महासागर भी इसकी स्थल आकृतियां जैसे बनी होती हैं, प्राकृतिक निर्मित बोलेंगे इसे। और देखेंगे अरामंडल किसे कहते हैं, तो वह क्षेत्र है जो जहाँ पर हमें वन कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए स्थल, घास प्रदान करता है, खनिज संप्रदाय का भी एक स्रोत है स्थल मंडल। देखेंगे कि यहाँ पे आप आई होप कि कुछ देख लेंगे, यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, भी कुछ प्रश्न पूछ देते हैं, बन जाते हैं डायग्राम। देखेंगे इस डायग्राम में देखेंगे वायुमंडल में जो है उड़ाने भरती हैं, जैव मंडल जीव जंतु होते हैं प्राणी जन, जल मंडल में जो है समुद्र तालाब जल स्रोत है, स्थल मंडल जो है स्थल पे जो लोग निवास करते हैं वो स्थल मंडल हो जाएगा। चलते हैं ये पर्यावरण के क्षेत्र थे। जल मंडल के आज के क्षेत्र को ही जल मंडल कहते हैं, जो विभिन्न इसके स्रोत हैं, नदी तालाब झील समुद्र महासागर ईटीसी जलाशय से मिलकर के बना है। इससे अनेक सभी प्राणियों के लिए अति आवश्यक है, कहा जाता है जल ही जीवन है, इसलिए ये माना जाता है मोस्ट आवश्यकता नीड है उनकी, मानव की। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु हवा को ही वायुमंडल कहते हैं। जैसे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण अपने ओर जो है वस्तुओं को आकर्षित करता है, ये कारण है वायुमंडल से वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आकर्षित करता है हमारे वायुमंडल में। और जो है नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं परितंत्र क्या है। परितंत्र के बारे में हम डिस्क्रिप्टिव बताएंगे, परितंत्र का मतलब क्या होता है। परितंत्र में जैसे मेंढक है, मछली है, ईटीसी पादक उसमें है, शेर है, कौन किसको खाता है, कैसे, परितंत्र के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे वह तंत्र जिनमें समस्त जीवधारी आपस में जो है मांसाहारी होते हैं, एक दूसरे के साथ जो है पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ जो है परस्पर क्रिया करते रहते हैं, उनमें निवास करते हैं, और ये सबसे जो है सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है इसमें। इसमें शाकाहारी मांसाहारी दोनों लोग रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे वायुमंडल में, मतलब आई होप कि आप पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे, अपना क्लियर कर लेंगे। पादप एवं जीव जंतु क्या है, इनसे मिलकर के जैव मंडल एवं सजीव संसार का निर्माण करते हैं, और यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है, और जहाँ स्थल जल एवं वायु मिलकर के जीवन को संभव बनाते हैं। आ जाते हैं परितंत्र क्या है। परितंत्र के बारे में हम देखते हैं यहाँ पर हमारा जो है, देखेंगे परितंत्र के बारे में, एक तालाब एवं परितंत्र, एक तालाब का क्या है, एक ये परितंत्र है। यहाँ पे देखेंगे घास फूस है, पक्षी यहाँ पे हैं, यहाँ पे जानवर हैं जो घास को ग्रेजिंग कर रहे हैं। आ जाते हैं यहाँ पे देखते हैं कि हमारे मानवीय पर्यावरण क्या है। सभी पेड़ पौधे जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्रायः एक दूसरे से आश्रित होते हैं। जीवधारी का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध आंतरिक का जो है निर्माण करता है, और अधिक वर्ष वाले जो है घास स्थल रेगिस्तान पर्वत झील नदी महासागर छोटे से ताल जो है के सभी परितंत्र हो सकता है। देखेंगे मानवीय पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण का मतलब मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं सारे मानवीय पर्यावरण में आ जाएंगे, जैसे औद्योगिक की वस्तु विनिमय पद्धति विकास उसका मानवीय सकताएं जो है, फसल वगैरह पशुपालन ईटीसी सारे आ जाएंगे। वीडियो पोस्ट करके आप रीड कर लेंगे, अच्छे से अपने टॉपिक क्लियर कर लेंगे, आई होप कि आप क्लियर कर लेंगे। आगे चलते हैं तो देखेंगे यहाँ पे परितंत्र क्या है, आई होप कि अच्छे से वीडियो सुने होंगे और रीड कर लेंगे पोज करके, तो आप दे देंगे उत्तर इसका। पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, ये तो डायग्राम के माध्यम से हम बताएं। मानव निर्मित पर्यावरण में जो है चार उदाहरण क्या है उस देना है, मानव ने बनाए हुए हैं, इमारत वगैरह मकान है, स्मारक ईटीसी बहुत सारे मानव बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं स्थल मंडल क्या है। और नेक्स्ट है जीवी पर्यावरण, दो मुख्य घटक क्या हैं वो भी बता सकते हैं, जीवमंडल ईटीसी। यहाँ पे प्राकृतिक परितंत्र क्या है इसमें ये भी देख लेंगे आप यहाँ पे, और ये भी सारे 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 आप ईटीसी देख लेंगे। यदि आप रिस्पॉन्स देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं। मैं इसे अपने वीडियो पे अलविदा लेना चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट होंगे। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे चैनल पे यदि नए विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करिए। मैं इसी तरह की वीडियो लेकर के आती रहूँगी, साइकोलॉजी की भी डिटेल्स, मैं सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी और इन्वायरमेंट के भी कंप्लीट करवाऊंगी, क्योंकि हम लोग के यूपी टेट के एग्जाम के लिए ज़्यादा
ज्यादा समय नहीं है क्योंकि डेट भी घोषित हो गया है। कल के न्यूज में अपडेट में न्यूज 30 तारीख को 30 अगस्त को अपडेट न्यूज आ जाएंगे कि हमारे यूपी टेट के जो एग्जाम किस डेट को होंगे।